गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखिए, कल मैंने आपको 2.5 के लास्ट क्वेश्चन तक बता दिया था, जिसमें अब 14th और 15th नहीं कर रहे हैं। 13th क्वेश्चन तक आपको वीडियो आ गई है और PDF मैंने पहले सेंड कर दी थी। तो चैप्टर कंप्लीट, अब आ जाइए आप चैप्टर थर्ड पे। चैप्टर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक तो ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स, ठीक है, जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास क्या होना चाहिए, आपको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, एक्सिस के बारे में। तो यही सब मैं आपको बताऊंगी। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। इन द नंबर लाइन ऑलवेज ऑड इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो मीन्स ओरिजिन इज इन बिटवीन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी नंबर इज वन यूनिट, हमेशा एक एक यूनिट का डिस्टेंस होता है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस लाइन मतलब इस तरीके से लाइन बनाना, हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब आ जाइए ग्राफ पे। ग्राफ के ये जो एक्सरसाइज है ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको ग्राफ के बारे में और उनके एक्सिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स और एक होती है वाई, ठीक है। और ये दोनों एक्सिस जहां प्रकट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, और ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, जीरो जीरो, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब, कोऑर्डिनेट जो होते हैं आपके वो होते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब देखो, यानी कि एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी ओरिजिन पे और वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। अब जो वाई है अपर पार्ट में वो सारे पॉजिटिव होते हैं और लोअर पार्ट में सारे नेगेटिव होते हैं, इसको बोलते हैं वाई डैश। इसी तरीके से एक्स राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये पॉइंट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। अब चार क्वाड्रेंट होते हैं। अगर कोई बोले कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफ में ओरिजिन पे तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो अब उस क्वाड्रेंट के साइन देखो, इसमें एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू प्लस, ये दोनों प्लस होते हैं। इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू प्लस, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, और इधर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस और चौथा क्वाड्रेंट प्लस माइनस। अब ओरिजिन मैंने आपको बताया 0.0। एक्स एक्सिस को एक और चीज बोलते हैं, क्या, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। याद रखना, कई बार बोल देंगे कि इफ एब्सिसा इज दिस, इफ ऑर्डिनेट इज दिस, तो आप ये सोचोगे कि ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है। तो ऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस के पॉइंट और एब्सिसा होता है वाई एक्सिस के पॉइंट। तो ये था आपका स्टार्टिंग, ठीक है, चैप्टर की। अब आ जाइए, ये आपने ड्रॉ भी करनी है और लिखना भी है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.2 में क्वेश्चन 1 के तीन पार्ट हैं, जिसमें सिर्फ आपने आंसर लिखने हैं, और क्वेश्चन 2, दो ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 के लिए ये आपको फिगर दी हुई है, अगर आपको बनानी होगी कॉपी में बना लेना पेंसिल से, और नहीं बनानी है तो मत बनाना, बुक होगी अगर सबके पास तो वेर एंड गुड। अब इस ग्राफ को देख के आपने इन पार्ट्स के आंसर्स देने हैं। कैसे, पहले पहला क्वेश्चन देखिए। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Horizontal line को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था एक्स एक्सिस, this is called horizontal line and this is called vertical line. Vertical line is y axis, horizontal line is x axis, ठीक है, in the graph. Next है second point, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? जो ये दो लाइन
पार्ट बना रही हूँ, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन ही बोलते हैं जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आ जाओ आप फिगर पे और क्वेश्चन पे। देखो ये आपकी फिगर है, पहला पार्ट है इसका कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स और वाई। अब बी जो है वो आपका जा रहा है एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस ऊपर को जाएगी 2। तो पॉइंट क्या हो गए? -5, 2। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताने हैं आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पे जा रहा है 5 और वाई एक्सिस पे जा रहा है -5। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, मतलब कि जिसकी वैल्यू -3, -5 है वो कौन सा पॉइंट है? -3 मतलब एक्स एक्सिस, ये रहा, और -5 मतलब नीचे जाएगा, वो पॉइंट है आपका ई। तो हमने उसको ई लिखा। ऐसी द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4, 2 मतलब एक्स एक्सिस और 4 नीचे जाएगा मतलब जी। द एब्सिसा मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट कहाँ है? ये रहा, उसमें एब्सिसा की वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, थोड़ा ये बेटा चेक करके। अब है आपका द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट, ये मैंने आपको बता दिया जी, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू क्या है डी पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू डी पॉइंट ये रहा, ये ऊपर तो वाई जाएगा और एफ एक्स जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 6। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच कहाँ है देख लो, एच कहाँ है ये रहा, एच कोऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू नीचे जा रही है -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल की कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो देखो एल यहाँ कहीं मैंने नहीं है, ये यहाँ है एल। ठीक है, तो एल वाई की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, सॉरी एक्स की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, वाई कहाँ तक जा रहा है? 5 तक, तो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है, तो 0, 5। एंड लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम की पॉइंट है ये। अब वाई तो कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ एक्स एक्स ही जाएंगे क्योंकि पॉइंट यहीं पर है आपका, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है? -3 और वाई की वैल्यू है ही नहीं, 0। ठीक है, ये नीचे ई के लिए जा रहा है, कहीं आप कहोगे ये तो नीचे भी जा रहा है बट ये ई पॉइंट के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। 3.1 आपने करनी नहीं थी, ये दो क्वेश्चन है, और 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई है, ये दो ही क्वेश्चन थे। अब आ जाओ आप 3.4 पर, सॉरी 3 पर। 3.3 में दो ही क्वेश्चन है, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, मतलब आपने ये ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, ग्राफ पे बनाओ, कॉपी पे, अगर ग्राफ पे कॉपी पे बनाना है तो आपने प्रॉपर 1-1 डिफरेंस प्रॉपर तरीके से लेना है। तो उन्होंने ये बोला है कि कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट है वो। तो क्वाड्रेंट तो हमें नंबरों के साइन से पता चल जाएगा और ऐसे ही हमें वो भी पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, -2, 4। -2 मतलब एक्स एक्सिस और 4 मतलब वाई एक्सिस, माइनस और ये प्लस, और माइनस और प्लस कहाँ पे लाई कर रहे थे? सेकंड क्वाड्रेंट है, इस तरीके से आप लिख दोगे सेकंड क्वाड्रेंट। 3, -1, 3, -1 कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0, वाई की वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ एक्स की वैल्यू है, यानी एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसके आगे आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस। 1, 2 दोनों प्लस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -5 दोनों माइनस के हैं यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये तो आपके क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, और आपने इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है। दोनों के ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके बता दूंगी, क्योंकि दूसरे में भी आपने प्लॉट ही करना है, दूसरा जो है आपका वो भी प्लॉटिंग का ही है। ये देखो
सिर्फ उसमें आपने प्लॉट करने हैं. प्लॉट द पॉइंट ऑन द टेबल चूजिंग यूनिट्स, वन वन यूनिट चूज करनी है और आपने प्लॉट करना है. जैसे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8. x की वैल्यू -1 है तो 7, y की 0 -1.25. इस तरीके से मैं दोनों के ग्राफ प्लॉट करके आपको PDF में सेंड कर दूंगी.